अहम खबर है, पाक फजाइया ने राशिद मिनहास शहीद को 50वें यौम शहादत पर खराज अकीदत पेश किया है। राशिद मिनहास के यौम शहादत पर पाक फजाइया की मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म भी जारी कर दी गई है। पाक फजाई ने राशिद मिनहास शहीद को 50वें यौम शहादत पर खराज अकीदत पेश किया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा खसूसी अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद है। जी अहमद बताइएगा। देखें, कम सिन तरीन पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास शहीद निशाने हैदर का एजाज पाया था। आज 50 साल मुकम्मल हुए हैं उनकी अजीम कुर्बानी को शहादत की। इस पर पाक फजाइया ने उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए एक मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म जारी की है। उसका DGSPR मेजर जनरल जाबिर सफार ने भी राशिद मिनहास शहीद के यौम शहादत के हवाले से ट्वीट किया था, खराज अकीदत पेश किया था। जो ये डॉक्यूमेंट्री पाक फजाइया ने जो पाक फजाइया का शोभा तालुकात आमा है उसने जारी की है, उसमें 17 फरवरी 1951 को राशिद मिनहास पैदा हुए थे और 14 मार्च 1971 को पाक फजाइया का 51वें GDP कोर्स में उन्होंने कमीशन हासिल किया था। फिर उन्हें कन्वेयन कोर्स के लिए माड़ीपुर मसरूर में वाकई नंबर 2 स्क्वाड्रन में तैनात किया गया था। 20 अगस्त का दिन था 1971 का, जब राशिद मिनहास की कुर्बानी से एक नाकाबले फरामोश दास्तान रकम हुई। अपने इंस्ट्रक्टर पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान का जो नापाक अजाइम था उसको खाक में मिलाया। T-33 तरबीती प्यारे को हाईजैक करके वो भारत ले जाना चाहते थे। जो हाईजैक मिनहास ने जहाज का कंट्रोल वापस लेने की भरपूर जिद्दोजहद की और सरहद अबूर करने से पहले ही जमीन बोस जहाज को किया और जामे शहादत नोश किया। जी ठीक है, अहमद मंसूर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।